अरे तुम फुल मैप वाले क्या जानो, हम फ्री स्टाइल वाले जो अनलिमिटेड ग्लू के साथ खेलते हैं, कितना मुश्किल होता है अनलिमिटेड ग्लू बॉल के साथ कस्टम में वन टैप मारना। क्या मतलब मैं कूल नहीं लगता वन टैप मारते हो? इधर है तेरे को मैं समझाता हूँ इधर। अभी उस फुल मैप वाले प्लेयर ने मेरे को प्यार से समझाया कि कस्टम में खेलना कितना मुश्किल होता है। पता नहीं लेकिन हाथ पैर क्यों अरे दर्द हो रहे, खून भी निकल रहा। आज की वीडियो टोटली उनके ऊपर है जो हैक लगा के खेलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दो ऐसी प्रजातियों की जिनका नाम है हैकर और स्कैमर, क्योंकि ये दोनों प्रजाति हमारे गेम में इतनी बढ़ चुकी है ना कि नॉर्मल प्लेयर का खेलना ही मुश्किल हो चुका है। तो अगर तुम लोग भी चाहते हो इनको हटाना है तो तुम लोग को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो किस बात की देरी है, आओ कार्यक्रम को आरम्भ करते हैं। अरे ऐसा ही होता है। अब देखो हैकर तो बढ़ चुके हैं, तुम लोग मानो ना मानो वन टैप से लेके दीवार के आर पर, दीवार से आर पर लेके जमीन के अंदर घुसने वाले हैकर इतने बढ़ चुके हैं ना इस गेम में कि कोई बताने का रीजन ही नहीं है। तुम सबको पता रहता है कि कितने हैकर आते हैं। अब आज ही की बात ले लो, आज मैं सुबह क्लैश स्क्वाड चला के बैठा और मुझे क्या लगा कि मेरी टीम में भी हैकर, मेरी सामने वाली टीम में भी हैकर। मैंने दोनों को रिपोर्ट करी और सुबह रिपोर्ट करी, दोपहर तक आईडी बैन। मुझे नहीं पता इनका सिस्टम कैसा है या पता नहीं कितने टाइम से उस पर रिपोर्ट हो रही थी जो उसके आज जाके बैन हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने आज सुबह रिपोर्ट करी और उसकी आईडी शाम को बैन हो गई। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और गरीना वाले जो है ना भाई, तुम लोग कुछ घंटा नहीं कर रहे हो आजकल, ठीक है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और मैं हैक के मामले में कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो बंदा तुम्हारा खबर ही है ना, जो तुम्हारी न्यूज पहुंचाता है, इसको बदल लो, कंपनी ले डूबेगा तुम्हारी। हैक आज यूज होता है 6-7 महीने बाद तुम्हें पता लगता है, फिर जाके तुम्हारी तरफ से आता है कि हमने आज इतने हैकर बैन कर दिया, दिख तो नहीं रहे कहीं पे भी। तुम्हारी रोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है, आज हमने इतने लाख बैन कर दिया, इतने लाख हमने हैकर बैन कर दिया, दिख तो नहीं रहे कहीं पे। इतने सारे हैकर अभी भी गेम में आ रहे हैं, इसी यही तुम्हारी हरकत है जो है ना, इसी वजह से बीजीएमआई तुमसे आगे निकल रहा है। और कोई रीजन नहीं है, तुम्हारी गेम एक नंबर है, मान लिया मैंने इस बात को। लेकिन ये बंदा बदल लो तुम, मैं तो सीधा सा जुगाड़ बता रहा हूँ, बंदे को हटाओ नौकरी से और हम लोगों से पूछ लिया करो तुम लोग। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? क्योंकि गेम का रिव्यू ना एक प्लेयर से अच्छा कोई दे नहीं सकता। ये तो तुम्हारे मॉडरेटर बिठा रखे ना तुम लोगों ने, साल में 2 बार भी गेम नहीं खेलते होंगे तो इनको क्या खाक पता लगेगा कौन हैकर है कौन स्कैमर है, क्या चल रहा है गेम में क्या नहीं चल रहा है। तो प्लेयर से रिव्यू लो, तुम लोग जितने भी प्लेयर है ना सबकी मेल में जाके एक बार सर्वे लो, हर किसी से सर्वे लो कि हैकर से तुम लोग कोई परेशानी है या नहीं है। सिंपल सा रीजन है, इतना सारा इनोवेटिव आइडिया है मेरे से आइडिया ले लिया करो तो तुम लोग की कंपनी का प्रॉफिट दुगना करा दूंगा मैं। बिजनेस। अब ये हैकर हटाने के साथ साथ मैं तुम लोग को एक और सलाह भी देता हूँ, ये ग्लिच जो तुम्हारा चल रहा है ना रैंक मोड में, इसको भी ठीक कर लो। इसकी वजह से इतने प्लेयर तुम्हारी गेम छोड़ गया है, नुकसान तो तगड़ा रहोगा है। मेरे से सीख लो यार तुम लोग कुछ, मैं तुम्हें इतने आइडिया दे दूंगा तुम लोग एक टाइम पे कहोगे हाँ यार आपको हम मॉडरेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आई एम सॉरी बाबू। अब बस मैं तो तुम लोग को लास्ट में इतना कहना चाहूंगा हैकर के टॉपिक पे कि भाई क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी तुम्हारी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है हैकर्स को नहीं हटा पा रहे, इतना बड़ा तुम एंटी हैक ला सकते हो तो लाओ यार, क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी, इतना पैसा तुम लोग कमा रहे हो, इतने एक्टिव यूजर है, एशिया की मतलब वर्ल्ड की नंबर वन डाउनलोड गेम है तुम्हारी, फिर भी तुम लोग हैकर सा कुछ नहीं कर पा रहे। दिन ब दिन इतने दुनिया भर के हैकर इस गेम में आते जा रहे हैं, इससे बड़े तो बीजीएमआई वाले कम से कम जुगाड़ दो उनके पास, हैकर्स को यूं गायब कर देते हैं एक मिनट में। समझ में आ रहा है? अब हैकर्स को गायब करने की बात है ही तो जितने भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर है ना तुम्हारे जो पार्टनर प्रोग्राम में है, इनके गिल्ड वाले बंदे भी कम नहीं है, ये भी हैक लगा रहे हैं, इनको भी पकड़ लेना। कितना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। अब बात कर लेते हैं स्कैमर की। स्कैमर को ना मैं दूर कर सकता हूँ, ना तुम दूर कर सकते हो, ना ही मेरा पड़ोसी दूर कर सकता है, ना ही गरीना वाले दूर कर सकते हैं। ये बढ़िया था। तो अब बात आती है कि इनको हटा कौन सकता है, तो इनको हटाने का एक ही तरीका है, वो है 9 साल के पिकाचू को गेम से दूर भगा दो। अरे नहीं यार भगा दो बिल्कुल दूर, एकदम ऐसे लोग हैं ये 9 साल के पिकाचू, इनको कोई अज्जू भाई के बारे में बोलते हैं भाई तेरे को डीजे आलोक दे, हमें ये कहेंगे लो अज्जू भाई हमारी आईडी पासवर्ड ले लो डीजे आलोक दे दो। कोई ऐसे किसी बड़े यूट्यूबर के बारे में बोलते लो भाई हमारी डीजे आलोक दे दो, ऐसे कोई वी बैच वाला इनको पार्टनर प्रोग्राम वाला मिल जाए उसका चैनल का नाम इनको पता ना, इनको क्या चाहिए डीजे आलोक। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। इस फ्री फायर कम्युनिटी में आधा से ज्यादा घर बार तो यूं चल रहा है डीजे आलोक देना है, बस फेक लाइव स्ट्रीम करेंगे फेक गिव अवे करेंगे, लेकिन क्या जनता तो पागल है, क्यों? क्योंकि 9 साल के पिकाचू जब तक रहेंगे तब तक जनता पूरी गिनी जाएगी पागलों में। ऐसा ही कुछ है स्कैमर का सीन, वो लोग आईडी पासवर्ड मांगते हैं ये लोग दे देते, क्यों? क्योंकि वो तो बड़े यूट्यूबर के नाम से आया, तो हो सकता है बड़े यूट्यूबर हो, बड़े यूट्यूबर की गिल्ड में है तो भी
विश्वास कर लेंगे, आईडी पासवर्ड ही तो दे रहे हैं, क्या बड़ी बात है। आईडी पासवर्ड ही तो सब कुछ है, बट्ठा बैठा लिया आईडी का। ऐसा सेम कहानी हुई थी, मेरी गिल्ड में था एक 9 साल का पिकाचू, उसको इसी वजह से मैंने किक मार दिया था। लेकिन उसका थोड़े दिन पहले मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज आया उसकी आईडी स्कैम हो गई। मैंने पूछा भाई ऐसा क्या, तूने क्यों आईडी पासवर्ड दिया किसी को? कहता बस मुझे गेम में मिला था, बोल्ट गिल्ड का बंदा था, मुझे विश्वास हुआ, मैंने दे दिया उसको आईडी पासवर्ड। फिर क्या होगी स्कैम? फिर मुझे कह रहा कि आईडी पासवर्ड दिला। अरे मैंने तेरे को थोड़ी कहा था कि उसको आईडी पासवर्ड देते जो मेरे पास आ रहा रिकवरी के लिए। कर मेरे को जानता नहीं है। मैं तो फिर से ये कहूंगा पिकाचू भगाओ, गेम बचाओ, बस ऐसा ही चलेगा जब तक ये पिकाचू रहेंगे, एक दिन गेम डुबाएंगे ये भी। अरे यार गेम एक दिन बैन होगा ना तो उसका रीजन भी ये पिकाचू होंगे। क्यों? क्योंकि इनको तब भी डीजे लोग चाहिए। गेम बैन हो रहा होगा ये सरकार को क्या कहेंगे, अरे एक मिनट रुक जाओ गेम बैन मत करो, क्यों हमें डीजे आलोक तो लेना ही रह रहा है अभी, तो हमें तो डीजे आलोक चाहिए, जज्जू भाई से चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तो आज की वीडियो में इतनी मजदूरी काफी लग रही है मुझे, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तुम्हारी नजरों में भी कोई पिकाचू हो तो जाओ उसका गेम डिलीट कराओ, और कोई ऐसे फेक लाइव स्ट्रीम करता हो दिखे तो उसके कमेंट सेक्शन में लव फ्रॉम हफ गेमिंग लिखाना। बाय बाय।